अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान और मैं 6th सेमेस्टर में हूँ और मेरा जो करंट CGPA चल रहा है वो 3.85 चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि फॉरेंसिक लीडरशिप के मतलब एक इन्फॉर्मेशन देना, और जो मेरा मेन फोकस होगा वो ग्लोबल ग्रेड पे होगा, क्योंकि इस साल मैं खुद जो है वो ग्लोबल ग्रेड में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जो पहले को जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके मतलब बताया जाए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता और पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में से हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में से जो है वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो एक वीडियो बना दी जाए जिसके मतलब जो है वो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए कि कैसे अप्लाई करते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके मतलब सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके मतलब। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं। ग्लोबल यूग्रेड दरअसल एक जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम है, हर साल कल्चर एम्बेसडर चूज़ करते हैं पाकिस्तान में से, जो कि US में जाते हैं पाकिस्तान की कल्चर को प्रमोट करते हैं, और जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो US के कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो हर साल, इस साल भी जिस तरह मुख्तलिफ बच्चे सिलेक्ट किए हैं उन्होंने, तो हाँ क्या कहते हैं जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो US जाते हैं, वो अपना एक सेमेस्टर पढ़ते हैं वहाँ पर जाके, या फिर वो फॉल में सिलेक्ट होते हैं या वो फिर स्प्रिंग में सिलेक्ट होते हैं, अपना एक सेमेस्टर पढ़ते हैं वहाँ पर जाके, पढ़ने के बाद वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि ये टोटली फुली फंडेड होता है, 4 से 4.5 बल्कि 5 महीने तक जो है वो हम US रहते हैं और उसके बाद दोबारा पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। अब इनके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन कौन है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री होते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो है अक्टूबर में जाके ये अप्लीकेशन ओपन होती हैं और तकरीबन 20 से 30 दिन तक बल्कि 25 दिन होते हैं एप्लीकेशन के। तो टोटली जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसमें से 5 से 6 सेक्शंस होते हैं आपके, इसके 3 से 4 प्रोसीजर हैं। पहले जो है आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, इस्लामाबाद जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद टॉइफल होता है, और वो काफ़ी सीन मेन जो है वो आपका शॉर्ट लिस्ट होना होता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू को जो है वो क्लियर करना होता है, मेन सिर्फ जो है वो इंटरव्यू को क्लियर करना और शॉर्ट लिस्ट होना है इंटरव्यू के लिए। अब इसको अप्लाई किस तरह करना है, हमने USEFP की वेबसाइट है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक जो है वो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। 5 सेक्शन हैं उनमें से, पहले 4 सेक्शन जो हैं वो आपके मोस्टली जो हैं उनमें आ जाते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, कि एड्रेस आ जाता है, ये जितना भी GP होगा उसके मतलब सारी जो है ना वो इंफॉर्मेशन होती है उसमें। जो लास्ट पार्ट होता है उसको होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, SOP, या जिसे हम पर्सनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। लास्ट जो होता है वो होता है पर्सनल स्टेटमेंट, जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, 250 वर्ड्स पे लिखनी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। और ये हम सोचते हैं कि 250 वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 250 वर्ड्स बहुत कम है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पहले फोकस करना है अपनी कम्युनिटी सर्विसेज पे। अब मुख्तलिफ पार्ट्स हैं SOP लिखने के भी, जहाँ पहले भी आपने ये अपना पास लिखना होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर जैसे भी आप स्टार्टिंग ले रहे हैं, पास लिखना है आपने, अपना आपने अपना प्रेजेंट लिखना है और आपने अपना फ्यूचर लिखना है, ठीक है। पास में आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं वो लिखनी है, आपने आपने कौन कौन सी कम्युनिटी सर्विसेज की प्रेफरेंस आपकी होती है, सर्टिफिकेट जितने भी आप लोगों के पास उनके सब उन्हें संभाल के रख लें, क्योंकि ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं वो स्कैन करके अपलोड करने होते हैं वहाँ पर। अब अक्टूबर में जब एप्लीकेशन ओपन होती हैं, आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद गैप आता है 3 से 4 महीने का, आपको फिर वो जाके बताते हैं फरवरी के स्टार्ट में जाके जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल जाती हैं, फरवरी के स्टार्ट में या जनवरी के एंड में। तो चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हाँ जिस तरह इस बार हमें जो है ये सारा बात SOP वाली बात बताने का ये मकसद था कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आज से ही जो है ना अभी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो घर में हर कोई फ्री होता है, तो आप क्या करें कि आप जो है वो SOP लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आज आप लिखेंगे तो पहले आपका जो है ना 500 वर्ड्स पर लिखी जाएगी SOP, और उसके बाद फिर वो कट कट कर करके कर के जो है ना आपके 250 वर्ड्स बनेंगे। अब मसला ये है कि 250 वर्ड्स से एक भी वर्ड अगर बढ़ता है तो सॉफ्टवेयर जो है वो खुद ही डिलीट कर देता है जो भी 250 वर्ड से ज़्यादा वर्ड होता है, तो आपने एक्यूरेट 250 या 250 से कम हो सकते हैं, आपने स्पेस भी लिखनी है। जब अगस्त में, जब अक्टूबर में जाके
एप्लीकेशंस दोबारा ओपन होंगी तो फिर दोबारा जो है मैं एक वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम जो है इंशाल्लाह यूएस में होऊंगा और मेरी क्लास के काफ़ी लोग जो हैं वो यहीं पे होंगे, तो वो आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। और अगर किसी को गाइडेंस ज़्यादा चाहिए होगी तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेगा, तो उसको भी गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन जो SOP के रिलेटेड जो कम्प्लीट जो है वो वीडियो वो जाके अक्टूबर में भी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो ये सारा कुछ बताने का, जो सब कुछ बताने का मकसद यह है कि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होना है, ठीक है, फ़ायदा है आप लोगों का। और मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह हर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ लोग सिलेक्ट होते हैं हर डिपार्टमेंट से, तो हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो हैं वो भी सिलेक्ट हों, और अगले साल इंशाल्लाह 2-3-4 बच्चे तो लाजमी जो है ना उनकी फ़ाइनल सिलेक्शन जो है। लास्ट ईयर जो है वो तो तकरीबन जो है वो 38,000 बच्चों ने जो है वो अप्लाई किया था इसके लिए, जिनमें से वो लोग 450 उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए थे इंटरव्यू के लिए, और उनमें से जो है वो 220-230 जो है ना वो लोग जाते हैं। हाफ जो है वो फॉल में जाते हैं, हाफ जो है वो स्प्रिंग में जाते हैं। जब आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको मज़ीद बता दिया जाएगा फॉल का क्या सीन होता है और स्प्रिंग का क्या सीन होता है। आगे भी काफ़ी हैं प्रिंसिपल स्टूडेंट्स भी होते हैं, अल्टरनेटिव भी होते हैं, तो उन सब के मतलब जो है वो गाइडेंस दे दी जाएगी। तो मेन जो है फोकस आप अभी इसी पर रखने हैं कि आपने शॉर्ट लिस्ट होना है। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए तो समझ लें कि आप जो है ना इस प्रोग्राम के लिए 50% इन हो चुके होते हैं, 50% से भी ज़्यादा परसेंट जो है ना वो इन हो चुके होते हैं। तो सबसे कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आप SOP को लिखते रहें, उसको बेटर से बेटर करते रहें। बस बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ मैं कि जब मैं वापस आ जाऊँगा और जब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इस साल जो है ना वो हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, 5 या 6 तो लाजमी जाएंगे ना इंशाल्लाह। तो बस बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।